तो लोकसभा चुनाव में जहां उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराकर उत्तराखंड की 5 सीट पर अपना कब्जा कायम कर लिया है, तो वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट की लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाते हुए जश्न मनाया। इसके साथ ही आतिशबाजी छोड़ते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं ने देश की जनता का आभार प्रकट किया। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे प्रचंड बहुमत के साथ हमारी जीत हुई है, ये खुशी का माहौल है और पूरे देश में खुशी का माहौल है। चढ़ करके बड़ी खुशहाल के साथ खुशी मना के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं बुझारू कार्यकर्ताओं द्वारा ये ध्वज मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन के रूप में कार्यकर्ती चली आ रही है। इस तरह सरकार पूरे 10 वर्षों से कार्य करती चली आ रही है, आगे भी उससे और अच्छा कार्य और जनता के बीच में रखेंगे। शिद्दत के साथ लड़ा गया, हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत करी और उसका परिणाम है कि हमारे उत्तराखंड में पाँचों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई और इससे हमारे कार्यकर्ता सभी हर्ष रहे हैं सब में और आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन हो। निकाय चुनाव आ रहे हैं उसमें भी कोशिश होगी कि इसी तरह का यहाँ पर प्रदर्शन। तो पूरे राष्ट्र की बात है, हम तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पाँचों की सीटें आई हैं। निस्संदेह कहीं ना कहीं जितना उम्मीद थी वो उतना पूरे राष्ट्र सफलता नहीं कर पाया, तो हमारी सरकार बन रही है, हमें संतुष्टि है और जो मोदी जी के वायदे हैं जो सरकारों के वो भी पूरे होंगे।